पुलिस ने मात्र 2 घंटे में हत्या की घटना का खुलासा करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल हत्या की घटना का संज्ञान लेकर घटना का शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिए गए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में थाना मंडी प्रभारी के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही कर मात्र 2 घंटे में हत्या की घटना का खुलासा करते हुए हत्यारोपी राजूरूप मणिनाथ पुत्र भगत साहू को बाबा लालदास बाड़ा मंदिर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे निशानदेही पर आला कत्ल दाव अभियुक्त के खून से सने कपड़े बरामद किए गए। अभियुक्त राजू ने पूछने पर बताया कि मैं बाबा लालदास बाड़े मंदिर में करीब 4-5 माह पहले आया था, तभी से मैं मंदिर में ही रह रहा था। बहादुर मंदिर में ही रहकर अक्सर शराब पीता था और मीट भी खाता था। मैंने बहादुर से कई बार मना किया लेकिन बहादुर नहीं माना। कल रात 1 बजे के करीब बहादुर ने शराब पीकर मेरे साथ गाली गलौज की और मैंने गुस्से में आकर इसके कमरे में जाकर इसी के दांव से सिर पर कई वार किए, जिससे बहादुर मर गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जी, कल सुबह सूचना मिलती है कि जो बाबा लालदास बाड़े का आश्रम है थाना मंडी क्षेत्र में, वहां पर सेवादार था जिसकी उम्र करीब 65-70 वर्ष थी। उसकी रात को किसी ने उसके सर पर चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। तुरंत ही वहां पर हमारे स्थानीय पुलिस उच्च अधिकारी और फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है। वहां पर रात को पूछताछ में यह पता चलता है कि 3 से 4 लोग ही हैं जो वहां पर आश्रम में रहते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा शक और जो संदेह जा रहा था वो एक राजू नाम के व्यक्ति पर, जो आज से कुछ 6 से 7 महीने पहले वहां पर बाबा बन के रहने लगा था, उस पर संदेह जा रहा था। इसी बीच जो उसके परिजन हैं मृतक के, वो भी आते हैं। उनके द्वारा भी बताया जाता है कि आज से 3-4 दिन पहले जब मृतक उनसे अपने परिवार वालों से मिला था तो उस राजू के बारे में ही बात कर रहा था कि वो उसको तंग या परेशान कर रहा है किसी ना किसी तरह से। तो इसी आधार पर एक नामजद तहरीर दी गई थी इसे घर वालों की तरफ से, और जब हमने इसे कड़ाई से पूछताछ करी और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम गई थी तो उसने 2-3 अच्छे हमारे साइंटिफिक एविडेंस वहां से गैदर किए थे। जो एक औजार था जो ये राजू उस मणिनाथ जो अपने पास रखता था, जिससे वो लकड़ी भी काटता था आसपास के पेड़ों से, तो उस औजार को उसने धो दिया था उसका कत्ल करने के बाद। तो उस औजार पे हमने जब टेस्ट किया केमिकल्स के साथ तो उसमें ब्लड पॉजिटिव आया था, ह्यूमन ब्लड पॉजिटिव। तो एक ये हमारा आधार बना जिससे हमने इसे पूछताछ करनी स्टार्ट की। उसके बाद इसके जो हाथों का स्वैप था मुलजिम के, उसका जब हमने लिया तो उस पर भी ह्यूमन ब्लड पॉजिटिव आया था। तो ये सारी जब चीज़ें हमारे पास आई, हमने इसे कड़ाई से पूछताछ करी तो इसने एडमिट किया कि आज से 1.5 महीने पहले से ही इन दोनों की किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज रहती थी। यही बताया जा रहा था कि दोनों ही नशे के आदि थे और नशे में आकर भी लड़ाई झगड़ा करते थे। इसके द्वारा ये बताया गया है कि वो जो बहादुर था, जो सेवादार था, जो मृतक था, उसके द्वारा मंदिर आश्रम के प्रांगण में कुछ मीट या शराब का सेवन किया जाता था जो उसको पसंद नहीं था, इसी कारणवश उसने उत्तेजना में आकर उसका मर्डर कर दिया। जब इसका मूल स्थान पूछा गया था तो पहले का अपना को राजस्थान का बता रहा था, लेकिन उसके बाद जब इसने हमने इससे पूछताछ ढंग से करी तो इसने बताया बहराइच का है। बहराइच पुलिस से जब हमने जानकारी पता करी तो इस पर 3 से 4 मुकदमे हैं। वहां से भी ये फरार हो गया था बहराइच से, अपने मूल निवास स्थान से, और बाबा का वेश धर कर वो यहाँ पर 6-7 महीने से निवास करता था। हाँ, मैंने जैसे बताया बहराइच में इस पे 2 NDPS के मुकदमे हैं और एक चोरी का मुकदमा है। एक 174A इसमें मफरूर घोषित किया जाता है इनको कोर्ट की तरफ से, भगोड़ा वो किया जाता है, वो भी मुकदमा इनमें है। तो ये वहां से भाग गया था बहराइच से और साधु बाबा का भेष पहनकर यहाँ मंडी में रहता।